Assalamu alaikum siblings. So first time I wear proper hijab for my vlog. ये चीज आनी थी आगे जाके, मुझे पता था कि ये चीज स्टार्ट होगी इंशाल्लाह. कोई भी स्टोरी शेयर करनी पड़ जाती है, कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इंशाल्लाह आगे, तो ये काम मुझे करना था कि मैं स्पेशल हिजाब करती और मैं बनाती वीडियो. सो आज स्टार्टिंग हो चुकी है और मैंने किया है स्पेशल हिजाब फॉर वीडियो फॉर व्लॉग. इसकी रीज़न है कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आई एम स्टार्टिंग माई ओन स्मॉल बिजनेस. अभी तो स्मॉल ही है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह इसमें बरकत डालेगा इंशाल्लाह. सो मैंने कहा मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह. जर्नी मेरी एक मंथ पहले स्टार्ट हुई थी, आज 23 जुलाई 2024 है और हमने फर्स्ट टूर मॉल का लगाया था 25 जून 2024, मंथ पहले की बात है. सो पूरे मंथ में जो जो कुछ हुआ मैं आपके साथ 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 क्लिप्स शेयर करती रहूँगी और साथ साथ आपको ना डिटेल में बताती रहूँगी. सो स्टार्ट करते हैं बस. अस्सलाम वालेकुम सिबलिंग्स. सो आज है 25 जून 2024 और आज नॉर्मली ग्रोसरी शॉपिंग करने आती हूँ मैं, लेकिन आज स्पेशल मैं जस्ट जो भी हमने शॉपिंग करनी है फॉर बिजनेस उसके क्लिप्स बनाती रहूँगी इंशाल्लाह और आपसे शेयर करूँगी. और मैं स्पेशल मॉल में बैठी हूँ ब्लॉग बनाने के लिए. चलें चलते हैं, आज से ये जर्नी स्टार्ट होती है. पता नहीं कब तक जाए ये ब्लॉग, कब तक हमारा सेटअप कम्प्लीट हो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रहे हैं. तो जैसे जैसे क्लिप्स बनते जाएंगे मैं आपसे सारी डिटेल एक ही व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह. सो स्टे कनेक्टेड एंड आपने ये देखना है पूरा व्लॉग. पता नहीं आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं. अभी चलते हैं थोड़ी देर में और हम साथ साथ चीज़ें लेंगे. थोड़ी बहुत मैं आपको टिप्स बताती रहूँगी और एंड पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह. सो लेट्स गो. इस टूर में ना हम सिर्फ दो चीज़ें ले सके थे, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा. बाकी तो ग्रोसरी शॉपिंग की थी बट केक के आइटम्स में ये दो चीज़ें ली थी हमने. बाकी एक दो और देखनी थी बट वो इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो हमने जस्ट प्राइसेस देखी ताकि कैलकुलेशन करें घर जाके एक बार, तो फिर देखेंगे हमारी कैलकुलेशन में क्या रिजल्ट आ रहे हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ हमें कितनी क्वान्टिटी में चाहिए ना. एनी वेज आगे हम चल पड़े तो मैंने ये देखी डबल डोर फ्रिज, एंड मुझे ये फ्रिज बहुत पसंद है. पाकिस्तान में इतना इसका नहीं है रिवाज, पाकिस्तान में सिंगल डोर फ्रिज चलती है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है. एनी वेज इसका थोड़ा सा क्लिप बनाया कि इंशाल्लाह कभी लूँगी मैं अपने लिए. तो यहाँ से हमने लेनी थी व्हिपिंग क्रीम, वो भी 2 kg का पैक ना, तो यहाँ पे 1 kg का पैक अवेलेबल था तो हमने स्किप किया इसको. समझ नहीं सकता है मालों से बताएं और हम लोग आइसक्रीम ना खाएं, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है. जा रहे हैं वो लेने, चलते हैं. सो हर टाइम हमने आइसक्रीम ज़रूर खानी होती है बट इस बार अनफॉर्चुनेटली बैठने की जगह नहीं मिली थी. सोफास पड़े होते हैं लेकिन इस बार नहीं थे, तो हम नीचे बैठ गए. तो मैंने क्लिप बनाया कि आपका कंफर्ट जोन आप खुद डिसाइड करते हैं. सो मैंने नीचे बैठ के आइसक्रीम इंजॉय की. हमारे बिजनेस बढ़ते हुए हमारा पहला स्टेप था और हम उठा लिया पहला स्टेप इंशाल्लाह. सो अभी हम घर आ गए और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी गाउन वगैरह उतारते हैं और फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी और दिन किसी नई अपडेट के साथ इंशाल्लाह. सो स्टे कनेक्टेड. ये हमारा फर्स्ट टूर था माल ऑफ सरगोधा का ना, तो हम उस वक्त यही डिसाइड हुआ था कि अभी हमने माल ऑफ सरगोधा से कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी ना. हमें काफ़ी कुछ पता था कि ये मिलता है माल ऑफ सरगोधा से, इम्तियाज से बेसिकली, जहाँ पे हम ग्रोसरी शॉपिंग नॉर्मली करने जाते हैं. तो हमने सोचा कि हम यहीं से ना कुछ भी नहीं लेंगे, बस बेसिक जो चीज़ें हैं वो लेंगे जो हमने पहले सोच ली थी, बाकी सारा कुछ ना हम यहाँ से बाजार से देखेंगे. क्योंकि हमें इस तरह फील हो रहा था कि बाजार में चीज़ हमें सस्ती पड़ेगी ना, क्वालिटी ऑफ कोर्स उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं है. मेरे पेरेंट्स को आइडिया है इस चीज़ का कि कहाँ से चीज़ अच्छी मिलती है, तो वो बता देते हैं, वो गाइड वगैरह कर देते हैं. फिर हुआ यूँ कुछ के हम लोगों ने सिर्फ पहले टूर पर थोड़ी सी शॉपिंग की, एक दो चीज़ें खरीदी, कुछ मिली भी नहीं एक दो, तो हम वैसे ही वापस आ गए ना. सडन प्लान नेक्स्ट मंथ बना, हम नेक्स्ट मंथ के 3-4 दिन गुजर चुके थे और कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे स्टार्ट करें. तो फिर हमने सोचा कि जाना पड़ेगा और फिर हम गए मालूम से बताए इम्तियाज और वहाँ से हमने की शॉपिंग. सो वहाँ चलते हैं और जाके दिखाती हूँ मैं आपको शॉपिंग. शॉपिंग से पहले मैंने सोच लिया कि मैं आपको एक बार बता दूं कि ये कैलकुलेशंस हम कैसे कर रहे थे. हमने कोई 3 से 4 बार की हैं कैलकुलेशंस. पहले हम वैसे ही की, फिर हमने प्राइसेस देखी तब की, फिर हम शॉपिंग वगैरह कर ली तब की कैलकुलेशंस, और सारी कैलकुलेशंस हमने की हैं कि कितने ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, कौन सी चीज़ कितने की आई है और कौन सी चीज़ कितनी जल्दी ख़त्म हो रही है, सब कुछ हमने लिखा हुआ है. तो ये बिज़नेस का रूल है कि आपने एक एक चीज़ लिखनी होती है. खैर जोक्स अपार्ट, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ना कुछ कपकेक्स बेक किए और हमारे घर के पास ना एक मदरसा है, तो वहाँ पर
ना 2 दिन ना वीक में क्लास होती है तर्जमा तफसीर की, तो वहाँ पे ना ज़रा टीनेज गर्ल्स या उससे भी बड़ी मदर्स भी आती हैं वो क्लास लेने, तो हमने उनके लिए ना ये बनाए कपकेक्स और हमने एडवर्टाइजमेंट के तौर पर ना उनको ये टेस्ट कराने थे। सो ये मैंने अपना हिजाब आपको दिखाया कि ये सेम डे था, हम मदरसा से होकर घर पर गए, फ्रेश हुए, पानी वगैरह पिया और फिर हम निकल गए मॉल की तरफ। और चले मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हमने खरीदा। So we are here to shop, shopping for our business. हम लोगों ने पहले भी आए थे हम लोग, लेकिन तब हमने शॉपिंग नहीं की। चीज़ों को जैसा लेके चलना था वैसे ही लेके चल रहे हैं, मतलब हम इतनी जल्दी नहीं करना चाह रहे थे कुछ भी ना। तो अब प्लान बना है इंशाल्लाह स्टार्ट करने का, तो हम अभी से सामान खरीदना शुरू कर रहे हैं। आज आए हैं हम मालूम से होता इम्तियाज़, तो आज हम करेंगे शॉपिंग एंड आज ही हम मदरसे से होके आए हैं और वेलकम टू बिजी लाइफ। चले चलते हैं, अभी ये खाली है ना, खाली है, अभी भर देगी, फिकर नॉट। एंड वी आर डन, भर गई ट्रॉली, घर चले। चलो अनाया, ये आप लोगों के बैठने के लिए दिन ली हमने। और जो ये मेरा भांजा है, ये मेरी भांजी है। हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है, शॉपिंग डन हो गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमने शॉपिंग किया है एटलीस्ट, और काफ़ी तसल्ली थी कि जो भी हो इंशाल्लाह बेटर हो। और कुछ सामान रह भी गया था ना। अच्छा, अब एक चीज़ थी कि सरगुजा जैसी सिटी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ढूंढनी पड़ती हैं, या हो सकता है ऐसी कि ना भी मिले ना, बट हमें एक चीज़ की तलाश थी जो के बॉक्सेस नहीं होते, के बॉक्सेस होते हैं, उसकी तलाश थी मैं। तो हुआ यूँ कि पहले हमें ये था कि ऑनलाइन मंगवा लेंगे, इतना इशू नहीं है। तो मैंने अपने फादर से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है एक दुकान का, वहाँ से मिल जाती हैं ये चीज़ें। तो हम वहाँ गए उस दुकान पे, फर्स्ट टाइम हम लोग बाज़ार में उस दुकान में गए। तो वो दुकान पे मैं अकेली गई फादर के साथ अपने, तो वो दुकान हेवन थी हमारे लिए। मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी और काफ़ी कुछ था वहाँ पे, काफ़ी कुछ था और प्राइसेस तो रिजनेबल होती हैं इन दुकानों की। तो वहाँ से मेरा एक चक्कर लगा और मैं लेके आई केक के बॉक्सेस, काफ़ी कुछ लेके, एक दो चीज़ें ले आई और एक दो चीज़ें मुझे भूल गई ना। मैं घर आई तो जो हमने कपकेक्स के बॉक्सेस थे ना वो हमने कहे, लेकिन उन्होंने वो हमें दे दिए ना पेस्ट्रीज के बॉक्सेस। तो फिर उसकी वजह से हम नेक्स्ट डे अगेन गए बाज़ार, तो फिर उसका क्लिप मैंने थोड़ा सा ऐड किया वहाँ गए। फिर हमने कुछ चेंज वगैरह किया, एक दो चीज़ और ली, नेक्स्ट डे हमारा चक्कर लगा। सो वहाँ से हमने खाई आइसक्रीम, मैं वो आपको क्लिप दिखा दूंगी यहाँ पे। सो बेसिकली ये हाफी सोडा वाटर सरगुजा में फालूदा यहाँ से मिलता है, तो हम उसके आसपास ही दुकान थी, तो दुकान से हमने शॉपिंग वगैरह की। तो शॉपिंग करके फिर हमने कहा हम फालूदा भी खा लेते हैं जब आए हैं, तो फिर हमने फालूदा वगैरह खाया, इंजॉय किया और फिर हम चले गए घर। 2 चक्कर मॉल लग चुके थे और 2 चक्कर बाजार के लगे, देन काफ़ी सारा सामान था उसको एडजस्ट किया थोड़ा बहुत। उसका मैंने व्लॉग अभी नहीं बनाया, वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो 10th of July 2024 को हमने मेन्यू लॉन्च किया और हमने ऑर्डर लोगों के उम्मीद रखी के शुरू हो जाए। अच्छा, एक हमारा ऑर्डर की थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ मैं। ऑर्डर फर्स्ट हमें ऑलमोस्ट वीक बाद मिला ना, कि फर्स्ट ऑर्डर आया, एक वीक गुजर गया फिर आया, तो वो छोटा सा ऑर्डर था कपकेक्स का। तो उसके बाद फिर हमें माशाल्लाह से आने शुरू हो गया ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा था और अब जो 4th ऑर्डर है ना, बेसिकली ये हमारा सबसे पहला ऑर्डर था। ये हमें तब से आ गया था जब हमने काम स्टार्ट भी था किया ना 10th जुलाई से पहले ही ना, तो ये ऑर्डर उन्होंने कहा हमें 30 जुलाई को चाहिए। मैंने कहा बहुत दूर है 30 जुलाई, तो बेसिकली फर्स्ट है लेकिन नंबर इसका 4 है, तो ये 30 जुलाई को उनको चाहिए ये ऑर्डर, इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। सो ये थी मेरी जर्नी एक बिजनेस स्टार्ट करने की। इसके पीछे एक बहुत ना लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर, जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि अपने काम बहुत आगे चल जाएगा इंशाल्लाह। सो अल्लाह पे भरोसा रख के किया काम शुरू और दुआ के साथ काम शुरू किया, और आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और मैं साथ साथ शेयर करूंगी कि ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं और हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक बात बस बता दूं कि मैं अकेली नहीं हूँ ये जो काम कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी पार्टनर है, अक्सर आप उसको वीडियोस में देखते हैं, बेसिकली कुकिंग की जो वीडियोस होती है ना, व्लॉग की मैं बात नहीं कर रही, व्लॉग मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स होती हैं जस्ट, और कुकिंग की वीडियोस में आप उसको देखते हैं। हम दोनों इस वक्त स्टडी कर रही हैं ना, वो कॉलेज जाती है फिर, लेकिन मुझे फिलहाल मैं समर वेकेशन पे हूँ। मैं आपसे मेन्यू वगैरह सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, अगर आपने ऑर्डर करना होगा तो आप भी कर सकते हैं। और एक मैं बात बता दूँ कि आप सरगोधा के अंदर हैं तो आपका ऑर्डर होगा, वरना आप किसी भी सिटी से हैं तो आपका ऑर्डर नहीं होगा फिलहाल के लिए। तो उसके बाद ऑर्डर्स जो आए हैं, जो जो मैंने केक्स बनाए हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी साथ साथ आपसे। कुछ तो मैं इसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी और कुछ की मैं शॉर्ट शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो स्टोरी शेयर करूँगी कि कैसे कौन सा ऑर्डर आया। अस्सलाम वालेकुम सिबलिंग्स,
आज है जी 18 जुलाई एंड वी जस्ट गॉट आवर फर्स्ट ऑर्डर एंड इंशाल्लाह अच्छा जाएगा सब कुछ। सो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कहा कोई क्लिप बना कर दिखा दूँ कि पहला ऑर्डर है और छोटा सा ही ऑर्डर है एंड इंशाल्लाह जिसको भी जाए जो भी खाए उसको पसंद आएंगे हमारे कपकेक्स। तो ये सारा सामान था मैंने अभी बॉक्सेस में डालना था क्योंकि पहला ऑर्डर था तो जब पैकेट्स ओपन होने थे तभी मैंने बॉक्सेस फिल करने थे और इनके ऊपर मैंने मयरिंग कप्स रखे कि कौन सी चीज़ कितनी जाएगी। और उसके बाद फिर ये दो कपकेक्स का ऑर्डर था तो एक एग से बनने थे। और ये ना मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने ना चूल्हे पे बेक किए, फर्स्ट टाइम मैंने चूल्हे पे कपकेक्स बेक किए थे। मैं केक बनाती हूँ लेकिन कपकेक्स मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए तो टेस्ट सही था, बन भी गए थे केक लेकिन इनकी शेप प्रोफेशनल लुक नहीं दे रही थी। उसके बाद फिर मेरी पार्टनर ने दोबारा बेक किए और ये बहुत क्यूट लग रहे थे, फिर ओवन में ही बेक किए। सो ये 2 कपकेक्स का ऑर्डर था बट हमने 3 भेजे क्योंकि पहला ऑर्डर था तो इसलिए। और इस टाइम हमने ना कपकेक्स के बॉक्सेस ऑनलाइन मंगवाए थे तो अभी तक वो आए नहीं थे ना, अभी टाइम था उनको डिलीवर होने में। सो हमने एडजस्ट करके इनको केक के बॉक्स में रखा और डिलीवर कर दिया फर्स्ट ऑर्डर और हमारा फर्स्ट ऑर्डर डन हो गया। अस्सलामुअलैकुम सिबलिंग्स, सो आज है 20 जुलाई, हमें 10 डेज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं बिज़नेस स्टार्ट किए हुए। 11 जुलाई को हमने स्टार्ट किया था और ये है ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर। और सिर्फ यही नहीं है और भी है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी वो भी जब हम पैक करेंगे। और ये मैंने बनाए हैं अभी। सो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था चूल्हे पे बेक करने के ना कपकेक्स ट्राई किए थे और वो फेल हो गए थे। टेस्ट वॉज गुड, टेक्सचर वॉज गुड, बट वो ना शेप उनकी ठीक नहीं गई थी। और ये 3 कपकेक्स हैं, इनमें से 2 जाएंगे और भी है ऑर्डर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको पता है सबसे प्राउड मोमेंट क्या है मेरे लिए, कि यूनिवर्सिटी की मेरी मैम है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है और उम्मीद करती हूँ कि उनको पसंद आएगा। आज देना है उनको, डिलीवर करना है इंशाल्लाह। सो आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे सब कुछ चलेगा और मैं उनके रिव्यूज़ भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। एंड इनको बेक होने देते हैं और फिर मैं आपको इनका रिजल्ट दिखाऊँगी कि ये जब बेक हो जाएंगे इनकी लुक कितनी क्यूट सी आएगी। सो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो ये उसी दिन का क्लिप है और सेकेंड ऑर्डर में इंक्लूड था 1 पाउंड का गिनाश चॉकलेट केक और 2 वनीला कपकेक्स और 6 कपकेक्स फ्रॉस्टेड चॉकलेट कपकेक्स ना। सो ये हमने केक के अंदर 3 लेयर्स की थी और गिनाश अप्लाई करके टॉप लेयर पे भी गिनाश लगा के तो स्प्रिंकल लगा दिए थे और उसके बाद हमने फिर पैक भी किया है इस ऑर्डर को। एनीवेज ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं कपकेक्स और इनकी फ्रॉस्टिंग आपको मिलेगी एक शॉट में इंशाल्लाह। सो एक्टेड एंड इसी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो ये हमारी पैकिंग डन हो गई थी, साथ हमने केक भी पैक कर लिया था और हमने सेकंड ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया। फिर मेरी बिजनेस की एक जर्नी और बिजनेस की एक क्या लें एक मंथ की स्टोरी। अभी आगे बहुत सारी चीजें हमने देखनी है कि कैसे उस चीज को हमने क्या कैसे लेके चलना है और क्या चीज हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं भी आपको इस चीज के बारे में बताऊंगी, मैंने भी बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया है। मैं आपसे मेन्यू शेयर करूंगी, वी हैव जस्ट 3 फ्लेवर्स ऑफ केक। उन 3 केक के फ्लेवर्स को हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो 3-6 बन गए, ये समझ लें बस। इसकी पीछे क्या सोचिए मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। सही, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे। मैं स्पेशल हिसाब करके बैठी हूँ, अब कोई पॉइंट रह गया होगा ना तो वो मैं किसी भी तरीके से वॉइस ओवर में ऐड कर दूंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपने व्लॉग इंजॉय किया होगा और मेरी जर्नी इंजॉय की होगी। आगे ऑर्डर्स को लेकर चलूंगी मैं आपके साथ, ऑर्डर्स शेयर करूंगी इंशाल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगी, अपने एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे बस इस व्लॉग का इंतज़ार था और इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करे तो मैंने बैक टू बैक वीडियोज अपलोड करनी है और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और व्लॉग में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।